किसानों को हर साल फसलों में तरह तरह की बीमारियों से उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अब किसानों को फसलों में लगने वाली बीमारियों के निवेदन के लिए कृषि विभाग द्वारा हमीरपुर में किसानों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के किसानों को आधुनिक कृषि के तकनीकों से अवगत करवाया जा रहा है। हमीरपुर के सर्वहित सुधार भवन में आयोजित इस वर्कशॉप में मोबाइल सर्विस के साथ इंटरनेट सुविधा से हर जिला में प्रोग्रेसिव किसानों को जोड़ा जाएगा, जो कि खेतों में फसलों को होने वाली बीमारियों का मौके पर ही फोटो खींचकर कृषि वैज्ञानिकों को भेजेगा और कुछ ही क्षणों के बाद बीमारी का हल किसान के सामने होगा। वहीं इस बारे में जिला कृषि उप निर्देशक अवहेल सिंह ने बताया कि वर्कशॉप में प्रोग्रेसिव किसान, जिला अधिकारी एवं ब्लॉक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिला ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज वर्कशॉप है जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सब्सिस के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारे डिपार्टमेंट में टेक्निकल स्टाफ जो काम कर रहा है, लोगों से खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर मनोज जी उसके आए हुए शिमला से, बाकी विप्रो का स्टाफ है, वर्कर कंसल्टेंट जो हमें पर आज रखी हुई है, अलग अलग तीन जिलों की वर्कशॉप आज रखी है। इसमें एक समाज का हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें इम्प्रूव करने के लिए, पहले हमारे जब खेतों में जाते थे लोगों को जो प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसको यदि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे तो आके नेट से देख के या यूनिवर्सिटी से पता करके सब उसका ट्रीटमेंट, अब हमारी एक मोबाइल सर्विस नेट के साथ जुड़ेगी, जो कि सभी सीनियर्स ऑफिसर्स के पास, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, फील्ड पंक्शन के पास मोबाइल होगा, उसमें सारी चीज़ों फीड कर दी जाएंगी। हर क्रॉप के बारे में उसमें डिटेल होगी, उसकी बीमारी में, उसके बुझाई के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और उसके समाधान भी साथ साथ होगा कि पर्टिकुलर को बीमारी है उसमें क्या दवाई का छिड़काव करना है, किस टाइम क्या चीज़ है। यदि उसके वहाँ पे यदि हमारा समाधान नहीं होगा तो उसका हमने मौके पर फोटोग्राफ लेके पर्टिकुलर बीमारी का उसी क्रॉप का, और उसको हमने नेट पर डालना, और उसका समाधान हमें उसी टाइम वहाँ पर आ जाएगा। गौरतलब है कि फसलों को बीमारी लगने पर इसका हल ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विश्वविद्यालय में पहले शोध किया जाता है, जिसे बीमारी का पता चलता है और इसके लिए काफी समय लग जाता है, लेकिन नई तकनीक के आने से किसानों की समस्याओं का कुछ ही समय के बाद हल संभव हो पाएगा, जिससे किसानों की फसलों का उत्पाद और अधिक बढ़ेगा के चैनल के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।